लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हनुमान तुम्हें वचन देता है कि वो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा। आप धन्य हैं हनुमान जी। जाइए काशी नरेश, जाइए। जिसके साथ स्वयं महावीर हनुमान हैं, संसार में कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आइए काशी नरेश, घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूं, आइए। काशी नरेश, अब तुम इस पवन पावन सरयू नदी के जल में खड़े होकर तब तक प्रभु श्री राम के नाम का जाप करते रहो जब तक प्रभु श्री राम तुम्हें क्षमा न कर दे। जो आ गया बजरंग बली, काशी नरेश, अब आप मेरे साथ प्रभु श्री राम के नाम का जाप कीजिए। बोलिए, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बोलते रहिए काशी नरेश, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हनुमान, हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है हनुमान, तुम सुमेरु से इतना शीघ्र कैसे लौट आए? भैया, एक ऐसा आवश्यक कार्य आन पड़ा जिसके कारण मुझे शीघ्र अयोध्या लौटना पड़ा। कैसा आवश्यक कार्य? भैया, वो तो मैं कार्य संपन्न होने के पश्चात ही आपको बताऊंगा। यदि मुझे शीघ्र अति शीघ्र प्रभु श्री राम के दर्शन ना हुए तो अनर्थ हो सकता है।
कैसा अनर्थ हनुमान? क्षमा कीजिए भैया, मैंने आपसे कहा ना, वो तो मैं कार्य संपन्न होने के पश्चात ही बताऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। नहीं मां मंत्री सुमंत, काशी नरेश जहां भी हों, जैसे भी हों, उन्हें ढूंढना ही होगा। अतिथि गृह से इस प्रकार भागकर उन्होंने यह बात सिद्ध कर दी है कि वो अपराधी हैं, और अब तो उन्होंने वहां से भागकर अपना दूसरा अपराध भी सिद्ध कर दिया है। परंतु महाराज, हमारे सैनिक चारों ओर से लौट चुके हैं, उनका कहीं पता नहीं है। मां मंत्री सुमंत, आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने अपने गुरुदेव को यह वचन दिया है कि आज सूर्यास्त से पूर्व हम उस दुष्ट को अवश्य दंडित करेंगे, यदि हम ऐसा नहीं कर पाए। नहीं महाराज, ऐसा ना कहिए, आपके वचन की लाज के लिए हम मर मिटेंगे। मां मंत्री सुमंत, पुनः हमारे सैनिकों को आसपास के प्रदेश में भेजिए, काशी नरेश अवश्य मिल जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम। हनुमान। प्रभु, अब आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि मैं इतनी शीघ्र अयोध्या कैसे लौटाया। नहीं पूछूंगा हनुमान, तुम्हारी भक्ति की शक्ति तुम्हें मुझसे अधिक देर तक दूर नहीं रख सकती, ये बात मैं भली भांति जानता हूं हनुमान। प्रभु, इस समय मैं आपके पास एक वरदान की याचना लेकर आया हूं। वरदान? हनुमान, आज तक तुमने हमसे किसी भी वरदान की याचना नहीं की। हम तो सदा यही चाहते रहे कि तुम हमसे कोई वरदान मांगो। बोलो हनुमान, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? तो प्रभु, मुझे वचन दीजिए कि आज मैं आपसे जो भी मांगू वो आप मुझे अवश्य देंगे। हनुमान, राम भक्त हनुमान राम से कुछ मांगे और राम उसे ना दे, ये भला कैसे संभव है? तो प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि संसार में जो कोई भी आपका नाम जपे उसकी मैं रक्षा कर सकूं, आपका नाम जपने वाले पर कभी कोई प्रहार ना हो, यदि सर्वशक्तिमान भी उस पर प्रहार करें तो उनका प्रहार भी व्यर्थ हो जाए। प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। ऐसा ही होगा हनुमान। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं, आपकी जय हो। जय श्री राम। 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 हनुमान जी, बजरंग बली, हनुमान जी, हे बजरंग बली, बजरंग बली, क्या श्री राम ने मुझे क्षमा कर दिया? काशी नरेश सौभद्र, जब तक मैं न कहूं तुम इसी प्रकार श्री राम का नाम जपते रहो। प्रभु श्री राम को अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी है और मुझे भी। बजरंग बली, क्या श्री राम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे? काशी नरेश, आप इस प्रकार डरिए नहीं। डरूं कैसे नहीं बजरंग बली, जब श्री राम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे तो मैं जीवित कैसे रहूंगा? काशी नरेश, क्या आपको मेरी माता अंजना के वचन पर शंका है या रुद्र अवतार हनुमान की प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं? विश्वास है बजरंग बली, परंतु श्री राम तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है, भला उनकी प्रतिज्ञा में बाधा कौन डाल सकता है? काशी नरेश, देखो, तुमने श्री राम का जाप रोक दिया ना, यदि तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर पाऊंगा? हे बजरंग बली, मैंने केवल भयवश ऐसा किया। किंतु काशी नरेश, अब भय ना करो, क्योंकि अब स्वयं मैं यहां हूं,
शीघ्र जाकर श्री राम का जाप करो। जैसी आज्ञा। शीघ्र जाओ। और काशी नरेश, अब श्री राम के स्थान पर सिया राम के नाम का जाप करो। मैं भी तुम्हारे साथ यहीं बैठकर जाप करता हूं। मेरे साथ बोलो, जय सिया राम, 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 जय सिया राम। महाराज, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आने दीजिए। राम, लगता है आप अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं करना चाहते। क्षमा कीजिए, आपने ऐसा क्यों सोचा गुरुदेव? राम का वचन और राम का बाण अपने लक्ष्य पर अचूक पहुंचते हैं। आपको ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए थी। नहीं राम, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता चला है कि काशी नरेश सरयू नदी के जल में खड़े होकर आपका नाम जप रहे हैं। और आप तो भक्त वत्सल हैं, करुणा निधान हैं, अपना नाम लेने वाले को आप अवश्य क्षमा कर देंगे। इस तरह आपकी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी और मेरा अपमान करने वाले की प्राण रक्षा हो जाएगी। गुरुदेव, यदि ऐसी बात है तो आप स्वयं हमारे साथ चलकर देखिए कि हम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हैं या नहीं। आइए। जय सिया राम, 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 जय सी। हे बजरंग बली, सिया राम का नाम जपते जपते मैं बहुत थक गया हूँ। बजरंग बली, मुझे उत्साह का अनुभव नहीं हो रहा है। मैं अपनी शक्तियां खो रहा हूं। मैं अपने को संभाल नहीं पाऊंगा बजरंग बली। नहीं काशी नरेश, नहीं, अपने आप को संभालिए। मैं बहुत थक रहा हूं। नहीं काशी नरेश, थकान का अनुभव ना कीजिए। यदि सियाराम का नाम जपते रहने के कारण आपको निराशा घेरने लगे तो फिर आपकी रक्षा कौन कर पाएगा? फिर मैं क्या करूं बजरंग बली? काशी नरेश, पूरी शक्ति और भक्ति के साथ सियाराम के नाम का जाप कीजिए। उत्साह में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। काशी नरेश, सियाराम के जाप में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। काशी नरेश, परीक्षा की घड़ी निकट आ गई है। सियाराम का जाप शुरू कीजिए। काशी नरेश, सियाराम का जाप शीघ्र शुरू कीजिए। मैं बहुत थक रहा हूं बजरंग बली। काशी नरेश, मैं भी तुम्हारे साथ सियाराम के नाम का जाप करता हूं। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। देख लीजिए राम, मेरा अपमान करने वाला यहाँ आपका नाम लेकर सुरक्षित है, जिसकी रक्षा आप ही के भक्त हनुमान कर रहे हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। हनुमान, जय सिया राम, जय सिया राम। हाँ प्रभु, अपनी माता को दिए हुए वचन और अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए ही मैं यहाँ बैठा हूँ। अयोध्यापति,
अब सूर्यास्त होने में और अधिक देर नहीं है। यदि आप प्रतिज्ञा पूर्ण करना चाहते हैं तो चलाइए बाण। जय सिया राम, जय सिया राम। हम अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करेंगे गुरुदेव। जय सिया राम, 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 जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम। प्रभु, इस समय मैं काशी नरेश सौभद्र की रक्षा कर रहा हूँ। जय सिया राम। और आपका नाम जपने वाले जिस व्यक्ति की रक्षा मैं करूँगा, जय सिया राम, उसे संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति नहीं मार पाएगी। ऐसा वरदान मुझे आप ही ने दिया था। तुम चले जाओ हनुमान, हमें अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने दो। नहीं प्रभु, ये मेरी माता को दिए वचन का अपमान होगा। परंतु राम की प्रतिज्ञा भी अधूरी नहीं रह सकती हनुमान। प्रभु, यदि आपकी प्रतिज्ञा अधूरी नहीं रह सकती तो फिर आपके वरदान का क्या होगा? प्रभु, आपके वरदान का क्या होगा? काशी नरेश, आप सिया राम के नाम का जाप करते रहिए। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। आप धन्य हैं प्रभु, आप सचमुच धन्य हैं। आपने अपना वरदान व्यर्थ नहीं जाने दिया, आप धन्य हैं। काशी नरेश, आप सिया राम के नाम का जाप करते रहिए। जय सिया राम, 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 जय सिया राम।